करीब 8 महीने से बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे जेपी नड्डा अब पूर्ण अध्यक्ष बन चुके हैं। कौन है जगत प्रकाश नड्डा, कैसा रहा उनका अभी तक का सफर, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारत माता की, भारत माता की। अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद से ही बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम संभाल रहे जेपी नड्डा अब पूर्ण अध्यक्ष हो चुके हैं। लो प्रोफाइल रहने वाले और बड़बोल और गैर जरूरी बयानबाजी से दूर रहने वाले जेपी नड्डा की संगठन पर कड़ी पकड़ हमेशा से रही है। नड्डा अपनी खूबियों और खासियत की वजह से आरएसएस, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद रहे हैं, और यही वजह है कि जब आरएसएस समेत पार्टी के आला कमान को हर नजरिए से नड्डा पर भरपूर भरोसा है, तो फिर पार्टी के किसी और शख्स ने नड्डा के सामने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन तक पेश नहीं किया। शाह की विरासत संभालने वाले जेपी नड्डा के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। मौजूदा वक्त को देखा जाए तो नड्डा को ऐसे वक्त में पार्टी की कमान मिली है जब महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी की न सिर्फ सीटें घटी हैं बल्कि सत्ता भी गंवानी पड़ी। दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है और आने वाले दिनों में नड्डा के ही नेतृत्व में बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूर्व उत्तर के राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां उनकी असली अग्नि परीक्षा होगी। मगर मौजूदा वक्त के बीजेपी के आलाकमान के भरोसेमंद से पैसालार जेपी नड्डा का पूरा सफर कैसा रहा, आइए उस पर भी एक निगाह डालते हैं। बिहार में जन्मे जेपी नड्डा ने प्रारंभिक शिक्षा बिहार में ली, पटना विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और वहीं से एबीवीपी में सक्रिय होकर छात्र राजनीति की शुरुआत की। साल 1975 के जेपी मूवमेंट में सक्रिय भूमिका भी निभाई। जेपी नड्डा एक नजर में 2 दिसंबर 1960 में बिहार के पटना में जन्म हुआ। पटना विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया, हिमाचल विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की। 1983 में हिमाचल विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष बने। 1989 में एबीवीपी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए। 1990 में बीजेपी में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी मिली। 1991 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। 1993 से लेकर 98, 98 से लेकर 2003 और 2007 से लेकर 2012 तक विधायक रहे। 2010 में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बने। 2012 में हिमाचल से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। साल 2013 में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में फिर राष्ट्रीय महामंत्री बने। 2014 में केंद्रीय चुनाव प्रबंध समिति के सदस्य बनाए गए। साल 2014 में ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। करीब 8 महीनों से बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कामकाज संभाल रहे नड्डा के हाथ में अब पार्टी की कमान है। कहते हैं पद अपने साथ जिम्मेदारी, जवाबदेही और चुनौती लेकर आते हैं, और ये चुनौती तब और बढ़ जाती है जब नड्डा के सामने अमित शाह द्वारा खींची गई लंबी लाइन हो। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।